सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस सीजन 13 में बिग बॉस सीजन 13 की एक कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला ने काफ़ी सारी बातें की थी। ये तो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर ये आई थी, काफ़ी अच्छा इनका सफ़र रहा, लेकिन बिग बॉस में कई सारी बातें इन्होंने ऐसी बता दी थी जिससे पता लग गया था कि बिग बॉस के बाद ये क्या करने वाली हैं। इनमें से सबसे बड़ी बात रही थी एडॉप्शन की, जी हाँ, बच्चा गोद लेने की। शेफाली जरीवाला ये बात बिग बॉस सीजन 13 में ही बता चुकी थी कि भाई वो बच्चा गोद लेने वाली हैं, और तो और वो एक बेबी गर्ल यानी कि लड़की को गोद लेना चाहती हैं। ये इच्छा उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में ही जाहिर कर दी थी। तो आपको बता दें कि शेफाली जरीवाला और पराग के घर आने वाला है या फिर आने वाली है नन्ही मेहमान। जी हाँ, जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि खबर इस तरह की मिली है कि भाई इन दोनों ने एडॉप्शन की तैयारी शुरू भी कर दी है, जो कि लगभग आधी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया है, और शायद अब लॉकडाउन के बाद ही शेफाली और पराग ये खुशखबरी दें। जी हाँ, प्रेग्नेंट तो नहीं हुई हैं शेफाली जरीवाला, जिस तरह की बीते दिनों खबरें उड़ी थी कि शेफाली जरीवाला प्रेग्नेंट है, लेकिन हाँ, बच्चा ज़रूर आने वाला है इनके घर में, खुशखबरी ज़रूर आने वाली है, और वो अडॉप्शन के ज़रिए ही होगी। अब देखते हैं कि कब तक ये खुशखबरी शेफाली जरीवाला और पराग त्यागी अपने फैंस के बीच साझा करते हैं और बताते हैं कि भाई उन्होंने बेबी को अडॉप्ट किया है। वैसे खबरें इसी तरह की मिल रही हैं कि प्रोसेस चल रहा था, लेकिन प्रोसेस लॉकडाउन के बाद ही शायद पूरा हो पाए। तो भाई, आपने जितनी भी खबरें सुनी हैं शेफाली जरीवाला के मां बनने को लेकर बिल्कुल सही सुनी हैं, लेकिन शेफाली जरीवाला प्रेग्नेंट नहीं है, अडॉप्शन के ज़रिए ही इनके घर पर खुशखबरी आने वाली है। खैर, हाल ही में शेफाली जरीवाला टिकटॉक पर भी आ गई हैं। टिकटॉक पर अब वो लगातार वीडियोस डालती रहती हैं, जिसे वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर भी करती हैं। खैर, आपका क्या रिएक्शन हो रहा है इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए, और इसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।